दोस्तों, साउथ फिल्म इंडस्ट्री सफलता के किस मुकाम पर है इस बात का तो अंदाजा आप लगा ही सकते हैं। जिस इंडस्ट्री के अभिनेताओं ने हर एक अंदाज से फिल्मों को सुपर डुपर हिट साबित करते हुए उन्हें बॉलीवुड की फिल्मों से भी ज्यादा आगे बढ़ाया है, जिसका पूरा क्रेडिट जाता है इस इंडस्ट्री में नजर आ रहे इन्हीं अभिनेताओं को, जिन्होंने कभी एक रोमांटिक हीरो बनकर तो कभी एक एक्शन हीरो बनकर फिल्मों में एक अलग तरह का रोमांच क्रिएट किया है। लेकिन दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको साउथ फिल्म इंडस्ट्री के इन अभिनेताओं के बारे में नहीं, बल्कि इनके रियल लाइफ बेटे और बहू से रूबरू करवाने वाले हैं, जो कि इन्हीं की तरह काफी मशहूर हैं और अपनी फील्ड में काफी सक्सेसफुल हैं। तो देर ना करते हुए चलिए जानते हैं कि आखिरकार कौन से हैं वो साउथ एक्टर और उनके बहू और बेटे। नंबर एक, शिव कुमार। साउथ फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता रहे शिव कुमार को तो आप बेहद अच्छी तरह से जानते होंगे, जो कि काफी लंबे समय तक इस इंडस्ट्री में बने रहे थे। वहीं अगर बात करें इनके बेटे और बहू की, तो बता दें कि इनके दो बेटे कार्ती और सूर्या हैं। पहले बात करें इनके बड़े बेटे की, तो कार्ती को साउथ की कैदी, देव और डोंगा जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। ये साल 2011 में रजनी चिन्ना स्वामी के साथ शादी के बंधन में बंधे थे, जो कि एक हाउसवाइफ के तौर पर अपना घर संभालती हैं। वहीं बात करें शिव कुमार के छोटे बेटे सूर्या की, तो सूर्या भी साउथ फिल्म इंडस्ट्री के एक मशहूर अभिनेता हैं, जिन्होंने सिंघम और सिंघम 2 जैसी कई फिल्मों में काम करते हुए खुद को सुपरहिट बनाया है। वहीं इन्होंने साल 2006 में साउथ फिल्म इंडस्ट्री की मशहूर अदाकारा ज्योतिका के साथ घर बसाया था, जिन्हें मैडम गीता रानी और डोंगा जैसी कई साउथ फिल्मों के लिए जाना जाता है। नंबर दो, सत्यराज। साउथ फिल्म इंडस्ट्री की ब्लॉकबस्टर फिल्म बाहुबली में कटप्पा का किरदार निभाकर मशहूर हुए अभिनेता सत्यराज के अभिनय की जितनी तारीफें की जाएं वो कम ही हैं। इसीलिए तो लोगों द्वारा इनके हर एक अंदाज को खूब सराहा गया है। वहीं अगर बात करें सत्यराज के बेटे और बहू की, तो इनका एक इकलौता बेटा है जिनका नाम सिबिराज है, और ये भी इन्हीं की तरह एक साउथ एक्टर के तौर पर जाने जाते हैं, जिन्होंने साउथ फिल्म इंडस्ट्री को सत्या और बोल्टर जैसी कई फिल्मों से नवाजा है। वहीं इन्होंने साल 2008 में रेवती के साथ घर बसाया था, जो कि रिश्ते में सत्यराज की बहू लगती हैं। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि रेवती एक हाउसवाइफ के तौर पर अपना घर संभालती हैं और लाइमलाइट से दूर रहना ही पसंद करती हैं। नंबर तीन, चिरंजीवी। साउथ इंडस्ट्री के मेगा स्टार कहे जाने वाले अभिनेता चिरंजीवी ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री को एक से बढ़कर एक सुपरहिट फिल्में दी हैं, जिनमें टैगोर और हिटलर जैसी कई फिल्में शामिल हैं। अगर बात की जाए इनके बेटे और बहू के बारे में, तो इनका एक लौता बेटा है जिनका नाम रामचरण है, जिन्हें आप मगधीरा और ध्रुवा जैसी कई सुपरहिट साउथ फिल्मों के लिए जानते हैं। वहीं इन्होंने साल 2012 में उपासना कामिनेनी के साथ घर बसाया था, जो कि रिश्ते में चिरंजीवी की बहू लगती हैं। ये प्रोफेशन से एक सक्सेसफुल बिजनेस वुमन है, जो चीफ एडिटर ऑफ बी पॉजिटिव मैगजीन और वाइस चेयरमैन ऑफ अपोलो चैरिटी के तौर पर भी जानी जाती है। नंबर चार, विक्रम। अपरिचित, आई और सेतु जैसी कई धमाकेदार फिल्मों में चैलेंजिंग किरदार निभाकर फिल्म इंडस्ट्री में छा जाने वाले अभिनेता विक्रम आज लाखों करोड़ों लोगों के दिलों पर राज करते हैं। वहीं अगर बात की जाए इनके बेटे और बहू की, तो इनका एक बेटा है जिनका नाम ध्रुवा है, और ये साल 2019 में आई साउथ फिल्म आदित्य वर्मा से अपना टॉलीवुड डेब्यू कर चुके हैं। वही बात की जाए विक्रम की बहू की, तो हालांकि ध्रुवा अभी शादी के बंधन में नहीं बंधे हैं, लेकिन इनका नाम इन दिनों इनकी को स्टार वनिता संधु के साथ जोड़ा जा रहा है, जो कि अपने रिलेशनशिप की खबरों को लेकर खूब चर्चाएं बटोर रहे हैं। तो इस हिसाब से वनिता संधु को चियन विक्रम की बहू कहने में कोई बुराई नहीं होगी। नंबर पाँच, रजनीकांत। साउथ फिल्म इंडस्ट्री में अपनी बेहतरीन अदाकारी से अपना एक अलग तरह का रुतबा कायम करने वाले अभिनेता रजनीकांत आज इतने मशहूर हो चुके हैं कि इन्हें किसी भी फिल्म इंडस्ट्री में किसी पहचान की कोई जरूरत नहीं। वहीं अगर बात की जाए इनके बेटे और बहू की, तो आपकी जानकारी के लिए बता दें कि इनका अपना कोई बेटा नहीं है, और इसी हिसाब से इनकी अपनी कोई बहू भी नहीं है, लेकिन दो बेटियों का आशीर्वाद पाकर इन्हें अपने बेटे ना होने का कोई मलाल नहीं। नंबर छह, नागा अर्जुन। डॉन मांस और गीतांजलि जैसी ढेरों फिल्मों से साउथ फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार बनने वाले अभिनेता हैं नागा अर्जुन, जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर साउथ की कई फिल्मों को सुपर डुपर हिट बनाया है। वहीं बात करें इनके बेटे और बहू के बारे में, तो इनके दो बेटे हैं जिनका नाम अखिल और नागा चैतन्य है। पहले बात करते हैं इनके बड़े बेटे नागा चैतन्य की, जो कि अपने पिता की तरह ही एक मशहूर साउथ एक्टर हैं, जिन्हें लव स्टोरी और मजली जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है। वहीं इन्होंने साल 2017 में सामंथा अकिनेनी से शादी रचाई थी,
जो कि साउथ के कई फिल्मों में काम कर चुकी हैं और इन्हें नागा चैतन्य के साथ भी मजली जैसी कई फिल्मों में साथ भी देखा जा चुका है। वहीं बात की जाए नागार्जुन के छोटे बेटे अखिल की, तो ये साउथ की मनम और मिस्टर मजनू जैसी कई फिल्मों में नजर आए हैं, पर ये आज भी सिंगल हैं, जिन्होंने अभी तक अपना घर नहीं बसाया है। तो दोस्तों, आपको साउथ फिल्म इंडस्ट्री के इन अभिनेताओं के बेटे और बहू के बारे में जानकर कैसा लगा, आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही बड़े पर्दे से जुड़ी ऐसी और मजेदार खबरों को जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।